हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दानू और हारू वाटर फाउंटेन के पास रुकते हैं और हारू को पास जोशियोन इरा के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। वो खुद को फ्लावर कॉमिक बुक की स्टेज पर देखता है और उसके साथ दानू भी होती है और वो दोनों रिवर के पास बैठे हैं। दानू उस पर वाटर फेंकती है और रियल में भी दानू ऐसा ही करती है, जिससे हारू वापस प्रेजेंट में आ जाता है। दानू हंसने लगती है तो हारू भी उस पर वाटर फेंकता है, पर फिर हारू को ऐसा करके बैड फील होता है और वो दानू को कवर कर देता है अपनी शर्ट से। दानू हारू को थैंक्स कहती है क्योंकि उसे हारू की वजह से अच्छा फील हो रहा है। हारू को याद आता है कि जोशियों ने रामे भी दानू ने उससे सेम यही लाइंस कही थी। देन स्कूल में जब हारू अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में जा रहा था तो तभी वहाँ क्योंग आता है और वो अपना टेनिस रैकेट हारू की साइड फेंकता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो रैकेट को लेकर गार्डन पहुंचे। हारू उसे घूरता है तो क्योंग उसे रिमाइंड कराता है कि क्योंग की बात मानना उसका कैरेक्टर सेटअप है। हारू रैकेट को क्योंग की साइड फेंकता है और कहता है खुद लेकर जाओ, और तुम्हारा कैरेक्टर लोगों को बुली और हर्ट करता है, क्या इसका कोई रीजन है? और अगर नहीं है तो अपने कैरेक्टर को फिक्स करो। क्योंग समझ जाता है कि हारू फुली सेल्फ अवेयर हो गया। देन लंच के टाइम कैफेटेरिया में क्योंग दानू और उसके फ्रेंड्स के पास जाकर बैठता है। सेमी को बुरा लगता है जब वो जूदा और नामजू को साथ में लंच करता हुआ देखती है तो, और सेमी को बैड भी फील होता है पास्ट में जूदा को बुली करने के लिए। क्योंग सेमी से कह देता है तुम एक विलन हो। सेमी को उसकी बात से बुरा लगता है और वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हारू कैफेटेरिया में आता है और दानू के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। क्योंग उससे कहता है कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है क्योंकि वो उसके सामने आकर बैठ गया, उसे अपने रोल के बारे में तो सोचना चाहिए। हारू कहता है मुझे अपने रोल की कोई परवाह नहीं। क्योंग को हारू की इस बात से गुस्सा आता है और वो उससे कहता है ठीक है, मैं देख लूंगा कि क्या तुम नेक्स्ट स्टेज पर यही सेम लाइंस कहोगे या नहीं। लंच के बाद दानू सेमी के पास जाती है और सोचती है कि नेक्स्ट स्टेज जल्दी स्टार्ट हो जिससे सेमी क्योंग की बात भूल जाए। तभी पेज टर्निंग साउंड आती है और सेमी स्टेज के लिए उसी क्लासरूम में पहुंच जाती है जिसे नामजू ने डेकोरेट करवाया जूदा से कन्फेस करने के लिए। वहां सेमी की फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और वो सारा डेकोरेशन डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फिर जूदा के पास जाकर उससे कहती हैं नामजू तुम्हें साइंस रूम में मिलने बुला रहा है। जब जूदा वहां जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, पर साइंस रूम में तो कोई नहीं होता। बुली गर्ल्स जूदा को ब्लेम करती हैं कि वो एक टाइम में दो बॉयज का यूज कर रही है, नामजू और दोवा का, और वो सब जूदा को डार्क रूम में बंद करके चली जाती हैं। जूदा रोने लगती है और स्टेज एंड होती है। स्टेज एंड होते ही जूदा जोर से चिल्लाने लगती है, लगता है वो भी अब सेल्फ अवेयर होने वाली है। इधर नामजू दोवा को बताता है कि उसने अपना कन्फेशन पोस्टपोन कर दिया, अब वो जूदा से कन्फेस टुमारो करेगा क्योंकि किसी ने डेकोरेट रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया। दोवा पैनिक हो जाता है और नामजू से पूछता है जूदा अभी कहाँ है। नामजू कहता है मुझे नहीं पता। दोवा कहता है जाकर जूदा को ढूंढो क्योंकि वो डेंजर में हो सकती है। नामजू कहता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, पर दोवा उसे समझाने के बजाय उससे कहता है तुम जाकर जूदा को ढूंढो। नामजू और दोवा दोनों जूदा को ढूंढने लग जाते हैं। स्टेज स्टार्ट होने से पहले दोवा जूदा को साइंस रूम में ढूंढ लेता है, पर वो उसे रूम से बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि उसे पता है कि स्टेज सीन के लिए नामजू ही उसे ढूंढेगा और बाहर निकालेगा। पर स्टेज स्टार्ट होने तक दोवा जूदा के पास ही रहता है। देन स्टेज स्टार्ट होती है, जूदा अकेली हो जाती है डार्क रूम में और नामजू उसे ढूंढ लेता है और उसे हक करके प्रॉमिस करता है कि अब से तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। देन स्टेज स्टार्ट होती है दानू और क्योंग के लिए। वो दोनों अपनी बेडिंग को लेकर बातें करने लगते हैं। दानू क्योंग से कहती है मैं वेडिंग मरने से पहले करना चाहती हूँ। क्योंग उससे कहता है इस तरह की बातें नहीं करो, ये बहुत अनोइंग है। दानू पूछती है क्या मुझसे मैरिज करना तुम्हारे लिए अनोइंग है। क्योंग कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। तभी दानू के चेस्ट पेन होने लगता है
क्योंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दानो को हॉस्पिटल में होश आता है और वो अपने पास क्योंग के साथ अपने डैड को भी देखती है। देन बाहर हॉल में जाकर दानो की डैड क्योंग की डैड से एंगेजमेंट तोड़ने की कहते हैं, पर क्योंग की डैड ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं दानो का वेडिंग ड्रीम सच करना चाहता हूँ उसके मरने से पहले। दानो अनोदर स्टेज सीन के लिए स्कूल में पहुंच जाती है। क्योंग दानो से पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे मैरिज करना चाहती हो? दानो कहती है, मैं इस मैरिज से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मैरिज क्योंग से हो रही है, द लव ऑफ माई लाइफ। और फिर स्टेज एंड होती है। किचन में मीचे इस फैक्ट से डिस्टर्ब है कि हारू की मेमोरी वापस आ गई और मीचे सोचता है, क्या हारू को सब याद आ गया, इवन पास्ट का भी? मीचे का पास्ट से मतलब है फ्लावर कॉमिक बुक का। तभी किचन में क्योंग आता है और वो मीचे से पूछता है कि फ्लावर बुक कहाँ है। मीचे प्रटेंड करता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंग किस बारे में बात कर रहा है। क्योंग कहता है, उस बुक में कुछ तो है और जब मैं उस बुक को ढूंढ लूंगा तब तुम्हें मुझसे बात तो करनी ही पड़ेगी। देन मीचे हारू से जाकर मिलता है गार्डन में। हारू रेड फ्लावर्स को देखकर मीचे से कहता है, ये फ्लावर्स हमेशा मेरी मेमोरी में रहते हैं। और वो मीचे से पूछता है, जो मैं जोशियोनेरा के फ्लैशबैक देख रहा हूँ, क्या वो सब फ्यूचर में होगा या पहले ही हो चुका है? मीचे कहता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारी बिगनिंग के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हारू कहता है, ये रेड फ्लावर्स मुझे याद दिलाते हैं कि मैं दानों को याद रखूं और जब तक वेट करूं जब तक वो मुझे ना ढूंढ ले। मीचे लाइब्रेरी में जाकर हारू के क्वेश्चन के बारे में सोचता है, क्या मैं पास्ट देख रहा हूं या फ्यूचर? और फिर मीचे खुद से कहता है, ये सब पहले भी हो चुका है और फ्यूचर में भी होगा। मीचे सीक्रेट बुक की कैरेक्टर लिस्ट देखता है और कहता है, राइटर सेम कैरेक्टर्स रीयूज कर रहा है, इवन लाइंस भी सेम है, पर अच्छा है मैंने फ्लावर बुक को जला दिया, पर अभी भी कुछ है जिसे मैं रोक नहीं सकता। अगर उन्हें पूरी स्टोरी पता चल गई तो हमें वही ट्रेजेडी अगेन देखनी पड़ेगी। लगता है मीचे सभी से कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। देन क्योंग हारू के साथ टेनिस खेलता है। क्योंग का पहले ही मूड खराब था और वो टेनिस में भी हारू से हार जाता है, जिससे वो कोर्ट में बहुत नाटक करता है और वो हारू से जब तक खेलने को कहता है जब तक वो जीत ना जाए, पर हारू ऐसा नहीं करता, जिससे क्योंग उससे कहता है, दानो भी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो मुझे लाइक करती है। हारू को गुस्सा आता है और वो क्योंग की टी शर्ट पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे कैसे भी ट्रीट करो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम कभी भी दानो को हट नहीं करना। क्योंग उससे कहता है, तुम हो कौन, तुम्हें मेरे बिना स्टेज सीन भी नहीं मिलेगा। हारू कहता है, मैं स्टेज चेंज कर दूंगा अगर जरूरत हुई तो। क्योंग कहता है, तुम मेरी और दानो की स्टोरी से दूर रहो। हारू पूछता है, क्या तुम दानो को लाइक करते हो? क्योंग कहता है, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? हारू बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता ये कहने में कि वो दानो को लाइक करता है। रात के टाइम लाइब्रेरी कॉर्नर में हम ब्लैक होल में फ्लावर बुक का सीन देखते हैं, जहां हम क्योंग को देखते हैं जो कि पैलेस में हारू पर गुस्सा हो रहा है, जैसे वो उस पर टेनिस कोर्ट में हो रहा था। हारू क्योंग से कहता है कि वो उसे जाने दे, पर क्योंग चिल्लाकर उससे कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? हारू कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं, पर अगर मेरी बिगनिंग का कोई आंसर नहीं है तो मैं अपना आंसर खुद क्रिएट करूंगा। पर क्योंग उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारा बॉन्ड होने का रीजन ये है कि तुम मेरे साथ रहो। थोड़ी दूर से मीचे उन दोनों को आर्ग्यू करते हुए देख रहा था। हारू क्योंग से कहता है, चाहे कुछ हो पर मैं जा रहा हूँ। क्योंग उसे चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है तुम उन मोयंग की डॉटर उन दानों को लव करते हो। हारू ये सुनकर रुक जाता है और एपिसोड 18 यही एंड होता है।